उत्तराखंड में काफी दिनों से चारों ओर लोकसभा चुनाव का प्रचार प्रसार जोरों शोरों से चल रहा था, लेकिन लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण के मतदान के बाद अब राज्य के निकाय चुनाव की उल्टी गिनती शुरू होने वाली है। मिली जानकारी के अनुसार निकाय चुनाव जून अंत तक हो सकते हैं। बता दें कि उत्तराखंड में नगर निकायों का कार्यकाल गत 1 दिसंबर को खत्म हो चुका है, साथ ही 2 दिसंबर से सभी निकाय प्रशासकों के हवाले हो गए थे। वहीं कार्यकाल के खत्म होने के इतने समय बाद भी चुनाव में देरी को लेकर हाईकोर्ट में चल रहे केस में अगली सुनवाई 1 सप्ताह तक होनी है, जिसमें सरकार को अपनी चुनावी तैयारी पेश करनी है। इस कारण शहरी विकास विभाग अब एकल सदस्य आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सभी स्तर पर ओबीसी आरक्षण बढ़ाने को एक्ट में संशोधन की तैयारी कर रहा है। इसके बाद ही वार्डवार आरक्षण घोषित हो पाएगा। वहीं आरक्षण प्रक्रिया जून प्रथम सप्ताह तक पूरी होने की संभावना है। इसके बाद शासन निर्वाचन आयोग को चुनाव की अधिसूचना जारी करने पर सहमति दे सकता है। इस बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने 93 निकायों की वोटर लिस्ट तैयार कर दी। अब देखना यह है कि हाईकोर्ट में चल रहे केस में अगली सुनवाई में क्या आदेश आते हैं और निकाय चुनाव की तिथि आखिर कब घोषित होती है।